हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का ये टॉपिक जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इससे पहले इस चैप्टर की सीरीज़ में बच्चों हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर दिया और प्लांट्स से हमने शुरुआत की है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको पता है बच्चे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें दो पेरेंट्स होते हैं, मतलब फीमेल और मेल, मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव सेल और एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल, ये जब आपस में मिलती हैं तो इसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और तब एक नई सेल बनती है जिसे बोलते हैं जायगोट, और वही नई सेल फिर नया ऑर्गेनिज्म जो है बनाती है, उसमें मतलब डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बन जाती है। ठीक, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों सबको पता लग गया, आपको पहले भी बताया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस है रिप्रोडक्शन की जिसमें रिप्रोडक्टिव सेल्स इन्वॉल्व होती हैं। क्या इन्वॉल्व होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब रिप्रोडक्टिव सेल्स बच्चे दो तरह की होती हैं, एक होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, एक होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। अब यहाँ आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनको हम जेमेट्स भी बोलते हैं, तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल हैं उनको हम मेल जेमेट्स बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपने कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं बेटा उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेल जेमेट्स, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम बोलते हैं फीमेल जेमेट्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता क्या है बच्चों कि मेल जेमेट फीमेल जेमेट से मिलता है, कंबाइन होता है। जैसे ही जब मेल जेमेट और फीमेल जेमेट आपस में मिक्स होते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद हमें जो मिलता है, जो नई सेल मिलती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जायगोट। क्या बोलते हैं? जायगोट। और यही जायगोट जो है आगे डेवलप होके नया ऑर्गेनिज्म बनाता है। तो ये आपको बेसिक सी बात याद रखनी पड़ेगी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के केस में। तो बेटा, प्लांट्स में जो उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, मतलब जो उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये कहाँ होते हैं? गेस करो कहाँ होते होंगे। तो ये होते हैं बेटा फ्लावर में। ठीक है, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं, ये एक प्लांट की रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है ना, तो मजाक अलग जगह, तो आपको बताता हूँ। तो बेटा, प्लांट्स के केस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, वो कहाँ मौजूद होती हैं? उसके फ्लावर में। तो फ्लावर का बेसिकली काम ही ये है प्लांट में रिप्रोडक्शन करना, रिप्रोडक्शन को पॉसिबल बनाना। किसका काम है? फ्लावर का। फ्लावर के अंदर प्लांट के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, यही आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं कि उनके फ्लावर्स में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा, कि उनके पर्टिकुलर फ्लावर्स में, कि किसी फ्लावर में सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसी फ्लावर में सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ऑर्गन्स होते हैं, मतलब एक ही फ्लावर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होगा, तो ऐसे फ्लावर्स को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि फ्लावर में क्या क्या मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लावर्स के मेन क्या क्या पार्ट्स हैं, उसके बाद हम वन बाय वन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को पढ़ेंगे। फ्लावर का डायग्राम आप देख सकते हो, एक खूबसूरत सा फूल यहाँ पे बना हुआ है। तो इस खूबसूरत से फूल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं बेटा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो पहला कंपोनेंट जो फ्लावर्स में है, ठीक है, वो है हमारा रिसेप्टिकल। ठीक है, पहला कंपोनेंट जो है दैट इज रिसेप्टिकल। रिसेप्टिकल बेसिकली क्या होता है? बेस ऑफ द फ्लावर। क्या होता है? बेस ऑफ द फ्लावर, कि जो हमारा फ्लावर है जिसके ऊपर वो टिका हुआ है, उस बेस को हम बोलते हैं रिसेप्टिकल। जैसे ही मैंने डायग्राम यहाँ बनाया है, ये आपको जो बेस नीचे नजर आ रहा है, ये जो डोडी सी नजर आ रही है, जो बेस नजर आ रहा है, इस बेस को हम बोलते हैं फ्लावर का रिसेप्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? हम रिसेप्टिकल बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, डायग्राम से समझ नहीं आ रहा, क्या कह रहे हो? ओरिजिनल फूल दिखाऊं? तो चलिए ओरिजिनल फूल दिखा देते हैं। तो ओरिजिनल फूल आपके सामने है बच्चा लोग। तो इस फूल को इस डायग्राम से कंपेयर करेंगे और फिर बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, तो देखो, जो मैंने पहला कंपोनेंट बताया ना रिसेप्टिकल, वो डायग्राम में आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये जो बेस होता है, ऐसे ही इस फ्लावर में भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो बच्चे, फ्लावर में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्लावर के केस में देखो, ये फूल आपको नजर आ रहा है ना, सुंदर सा चाइना रोज का फ्लावर
अब चाइनीज चीज़ों पे बैन है, तो ये मत सोचना कि सर चाइना से फ्लावर ले गए, ये फ्लावर का नाम है चाइनीज फ्लावर, चाइना रोज, ठीक है ना। तो इसका ये जो बेस आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ यहाँ जहाँ मेरी फिंगर टच हो रही है, ये चीज़ इस बेस को जिस पे फ्लावर टिका हुआ है, इसे बोलते हैं हम रिसेप्टिकल। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। रिसेप्टिकल के बाद बच्चों दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं सेपल। क्या आते हैं? सेपल। सेपल क्या होते हैं कि जो लीफ लाइक ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स जो आपको निकली हुई नजर आ रही हैं, ये जो ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फ्लावर में से निकली हुई नजर आ रही है, इन्हें बोलते हैं सेपल। चलो ओरिजिनल फ्लावर में भी दिखा देते हैं। तो ये देखो बच्चों, ये ओरिजिनल फ्लावर है, तो इसमें ये आपको ये सेपल्स नज़र आ रही हैं, ये चीज़, ये देखो ध्यान से देखो, मैं कैमरे के पास लेके आता हूँ, ये चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही है, ये जो पंखुड़ी, ये जो ग्रीन कलर के पत्ते से निकले हुए हैं फ्लावर में से, इन ग्रीन कलर के पत्तों को हम बोलते हैं बेटा सेपल। क्या बोलते हैं इनको? सेपल बोलते हैं। ये जो ग्रीन कलर के पत्ते आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़, ये देखो ये चीज़, इसे बोलते हैं सेपल। क्या बोलते हैं इसको? सेपल बोलते हैं। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। सेपल के बाद हमारे पास आता है थर्ड नंबर पे पेटल्स। अब पेटल्स क्या होती हैं बेटा, कि जो हमारा फ्लावर है उसकी जो पंखुड़ियां हैं, जो रंग बिरंगी, जिनकी वजह से फ्लावर इतना खूबसूरत लगता है, ठीक है ना, तो उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स। तो ये जो पंखुड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं, यही है पेटल्स। तो इस फ्लावर में ये जो प्यारी प्यारी पंखुड़ियाँ आपको रेड कलर की नज़र आ रही हैं, दीज आर द पेटल्स। ठीक है, समझ में आया? क्या बोलते हैं इनको? पेटल्स बोलते हैं। क्लियर? अब चलते हैं आगे। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आता है, जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है, वो है हमारा इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे बोलते हैं स्टैमन। क्या बोलते हैं जिसको? स्टैमन। तो फोर्थ नंबर पे जो फ्लावर का कंपोनेंट बच्चों आता है वो है स्टैमन। अब स्टैमन जो है आपको ध्यान रखना है, ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है? ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ फ्लावर। ठीक है, क्या है ये हमारे फ्लावर का? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दूसरा, इसकी खासियत क्या है? इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होती हैं? हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, यानी कि मेल जेमेट्स। मैंने पहले भी बताया है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को मेल जेमेट्स भी कहा जाता है। तो भैया जो हमारा फ्लावर है उसका जो ये पार्ट है स्टैमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, और इसके अंदर क्या होते हैं? मेल जेमेट्स होते हैं। अब इस डायग्राम में कहाँ पे है भैया स्टैमन? तो इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये आपका क्या है? स्टैमन। ये नज़र आ रहा है भैया सबको? ये आपका क्या है? ये आपका स्टैमन है सारा, यहाँ से जो निकल रहा है। अभी फ्लावर में भी दिखाऊंगा आपको, ओरिजिनल फ्लावर में। अभी अगर मैं स्टैमन को और ज़्यादा ध्यान से अगर देखता हूँ, तो स्टैमन के बारे में बच्चों मुझे क्या पता लगता है कि स्टैमन के अंदर दो कंपोनेंट हैं। अगर मैं इस स्टैमन का डायग्राम अलग से आपको बना के दिखाऊं, तो ये जो हमारे स्टैमन भैया हैं, इनके अंदर दो कंपोनेंट हैं। एक तो ये लंबी सी वायर जा रही है, जो इसे बोलते हैं इसका फिलामेंट, है ना, स्टैमन का इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो स्टैमन में दो कंपोनेंट है बच्चे, इसे हम बोलते हैं इसका फिलामेंट। ठीक है, ये जो तार सी जा रही है इसका, छोटी सी, ठीक है। और जो मेन पार्ट होता है बेटा हमारे स्टैमन में, वो इसका ऊपर वाला पोर्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? एंथर बोलते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, हमारे स्टैमन में दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक ये वाला पार्ट, इसे बोलते हैं फिलामेंट, एक ऊपर वाला पार्ट, इसे बोलते हैं एंथर। अब एंथर की खासियत क्या है? जो ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ ना, मेल जेमेट्स, ये बेसिकली किसके अंदर होती है? एंथर के अंदर। किसके अंदर होती है? एंथर के अंदर होती हैं। मतलब कहने का ये है कि जो आपका एंथर है, एंथर का मैं अलग से यहाँ पे बताता हूँ आपको, कि जो आपका एंथर है ना बेटा, इसके अंदर ही आपकी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। जो आपका एंथर मैंने बनाया था, इसी के अंदर हमारी मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं। और मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स किसके अंदर बंद होती हैं? पोलन ग्रेन्स के अंदर। किसके अंदर? पोलन ग्रेन्स के अंदर। कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा स्टैमन का ये पार्ट है एंथर, इस एंथर में होते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या होते हैं? पोलन ग्रेन। और पोलन ग्रेन के अंदर हमारी होती है मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मतलब कि मेल जेमेट, याद रखना है आपने। तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक सबको, कि हमारा जो
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, वो है स्टेमन। स्टेमन में दो कंपोनेंट हैं, फिलामेंट और एंथर। एंथर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एंथर के अंदर क्या होते हैं बच्चों, पोलन ग्रेन्स होते हैं। और जो पोलन ग्रेन्स हैं, पोलन ग्रेन्स के अंदर क्या स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है पोलन ग्रेन्स के अंदर, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। तो एंथर का काम है पोलन ग्रेन्स को बनाना और अपने अंदर स्टोर करके रखना। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। अब भैया फ्लावर के केस में आपको दिखा देता हूँ स्टेमन क्या होता है। तो अब अगर मैं इस फ्लावर में आपको दिखाऊं तो इसमें बहुत सारे स्टेमन हैं, बहुत सारे, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो, पेन के साथ दिखाता हूँ क्योंकि मार्कर से मैं फोकस नहीं कर पाऊँगा। तो ये देखो बच्चों, ये फ्लावर है आपका। इस फ्लावर में से ये चीज़ बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है सबको, ठीक है, नज़र आ रही है। अब इसमें ये जो आपको दिख रहे हैं ना येल्लो येल्लो, प्रॉपर फोकस नहीं हो पा रहा कैमरा, ये जो आपको येल्लो येल्लो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, यही है आपके एंथर। और इनके साथ जो ये नीचे इनकी जो वायर जा रही है, मतलब ये पतला पतला धागे से जा रहे हैं, ये इसका फिलामेंट है। तो ये सारे, इतने सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये येलो येलो वाले पोर्शन, ये सारे आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर के, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्टेमन। स्टेमन के दो पार्ट हैं, जो ये येलो येलो नज़र आ रहा है, ये येलो क्या है, एंथर, और ये येलो से जो पतली सी स्ट्रिंग निकल रही है, ये क्या है, इसका फिलामेंट। अब इस येलो येलो में ये जो एंथर है, इस एंथर में, ठीक है ना, इस यहाँ से देखो प्रॉपर फोकस हो रहा है ना, तो यहाँ से नज़र आ रहा है देखो सबको, ये जो येलो येलो पोर्शन नज़र आ रहा है ना फ्लावर में बच्चों आपको, इसे हम बोलते हैं स्टेमन। बेसिकली ये येल्लो येल्लो इस स्टेमन का कौन सा पोर्शन है, एंथर। और ये येल्लो येल्लो से नीचे दो धागे से निकले हुए हैं, ये क्या है, इसका फिलामेंट। इस येल्लो येल्लो जो ये नज़र आ रहे हैं एंथर, इनके अंदर होते हैं पोलन ग्रेन्स, और यही पोलन ग्रेन्स के अंदर होता है मेल जेमेट्स, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर ध्यान से देखना हो तो आपके आसपास आपको कहीं ना कहीं चाइना रोज का फ्लावर जरूर मिल जाएगा। उस फ्लावर को तोड़ के ले आओ और देख सकते हो, ध्यान से मेरे साथ कंपेयर कर सकते हो कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। वीडियो कैसी लग रही है कमेंट ज़रूर करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। अब चलते हैं आगे। तो ये तो हुई बात बच्चों स्टेमन की। अब आते हैं हम फिफ्थ कंपोनेंट पे फ्लावर के, जो है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर का, और जिसे हम बोलते हैं कार्पल। तो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास बच्चों आ जाता है कार्पल। और जो कार्पल है बच्चों, ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। क्या है ये, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कार्पल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या जिसे हम क्या बोलते हैं, फीमेल जेमेट। मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, फीमेल जेमेट। इसे फीमेल जेमेट नहीं बोलते, इसके अंदर फीमेल जेमेट्स होते हैं। तो लास्ट कंपोनेंट बच्चों हमारे पास आता है फ्लावर का कार्पल। और कार्पल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का। कार्पल के अंदर क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जिन्हें हम सिंपली एग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एग्स। तो इसका भी डायग्राम अलग से आपको दिखा देता हूँ। ये मैं मिटा देता हूँ, रिसेप्टिकल सेपल पेटल, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ताकि डायग्राम बना सकूँ यहाँ पे। तो एक सिंपल सा डायग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फ्लावर है ना, इस फ्लावर में ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये चीज़ जो है, यही आपका है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसका कार्पल। अब मैं थोड़ा सा कार्पल को जूम करके थोड़ा बढ़िया सा डायग्राम आपको बना के दिखा देता हूँ। तो जो कार्पल है उसका बेसिक सा डायग्राम बच्चों ये होता है, कुछ इस तरह का होता है कार्पल हमारा। ये फ्लावर के बिल्कुल ज़्यादातर बीच में होता है। अब ये तो पूरा मेरा बन गया कार्पल। अब बच्चों कार्पल में तीन कंपोनेंट होते हैं। जिसका हेड है सबसे ऊपर वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको बेटा, स्टिग्मा। जो इसकी नेक है, इसे हम बोलते हैं स्टाइल। और जो नीचे वाला पोर्शन है ये, इसे हम बोलते हैं ओवरी। क्या बोलते हैं इसको, ओवरी। तो ये आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो हमारा जो फ्लावर का फीमेल पार्ट है, उसमें तीन पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। ये ध्यान रखना है। सबसे ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं बच्चे स्टिग्मा, बीच वाले पोर्शन को बोलते हैं स्टाइल, और सबसे नीचे वाले पोर्शन को बच्चे हम क्या बोलते हैं, ओवरी। अब कार्पल में जो रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं हमारी, जो एग्स हैं, ठीक है ना, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एग्स हैं, वो कहाँ होते हैं कार्पल में, वो कार्पल के अंदर कहाँ होते हैं, ओवरी में। ओवरी के अंदर भी किस में होते हैं, ओव्यूल में। अब जो हमारा बच्चों कार्पल है, इस कार्पल के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक ओव्यूल। कार्पल के अंदर हमारे पास क्या होता है बच्चों, एक ओव्यूल,
तो ये हमारा क्या है बच्चों, ओव्यूल, मतलब कार्पल, कार्पल का जो पोर्शन है ओवरी, ओवरी के अंदर होता है बच्चों ओव्यूल, और इस ओव्यूल के अंदर होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी के एग। तो इसके अंदर हमारे पास ये क्या है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल यानी के एग। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का जो है कार्पल। कार्पल में तीन पार्ट्स होते हैं बच्चे, ऊपर वाले को स्टिग्मा बोलते हैं, बीच वाले को स्टाइल, और सबसे नीचे वाले को ओवरी। ओवरी के अंदर होता है ये ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर हमारा होता है एग। तो क्लियर है, तो ये तो थे पार्ट्स जो मैंने आपको समझाए। अब इसको फ्लावर में भी मैं दिखा देता हूँ आपको कि फ्लावर में बेसिकली कहाँ पे है हमारा कार्पल। तो फ्लावर में बच्चों इस चाइना रोज में ये जो आपको नज़र आ रहा है ये जिसको मैंने अभी पकड़ा हुआ है, इसमें से जो ये ऊपर की तरफ निकल रहा है पोर्शन, इस पोर्शन को ही हम बोलते हैं कार्पल। ये कार्पल है, ठीक है, ये इस कार्पल का स्टाइल है। क्या है ये इस कार्पल का स्टाइल, बीच वाला पोर्शन स्टाइल, और स्टाइल में सबसे ऊपर ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहे हैं ये है इसका स्टिग्मा। मैं पास से दिखा देता हूँ, ये जो रेड रेड आपको नज़र आ रहे होंगे ऊपर, ये दिख रहे हो रेड रेड, ये जो रेड रेड नज़र आ रहे हैं बच्चों, ये रेड रेड क्या है हमारा स्टिग्मा। क्या है ये रेड रेड स्टिग्मा, ठीक है, और ये हमारा कार्पल। और अंदर जाके यहाँ फ्लावर के अंदर नीचे हमारा क्या होगा, ये फ्लावर में अंदर यहाँ पे ये जो ट्यूब है इसके अंदर यहाँ नीचे क्या होगी हमारी ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होगा, ओव्यूल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होंगे, ठीक है। तो चलिए, तो ये तो हुए फ्लावर के मेन पार्ट्स जो मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि फ्लावर में रिप्रोडक्शन होता कैसे है। तो चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है। तो सबसे पहले जो बच्चों हमारे पास आता है फ्लावर में कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो हमारे पास बच्चों जो पहला स्टेप है वो है कि जो हमारे पोलन ग्रेन्स हैं उनका एंथर से कहाँ पहुँचना, स्टिग्मा तक पहुँचना, पहला स्टेप, तो उसे हम बोलते हैं पोलिनेशन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्लावर्स में जो पहला स्टेप आता है उसे हम बोलते हैं बच्चों पोलिनेशन। क्या बोलते हैं उसको, पोलिनेशन। अब पोलिनेशन क्या है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारा जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्म, वो एंथर से कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा तक पहुँचता है। मतलब कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है बेटा, कि पोलन ग्रेन का एंथर से किसकी तरफ जाना, स्टिग्मा की तरफ जाना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलिनेशन बोलते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना सभी बच्चों ने। मतलब कि जो हमारा ये फ्लावर है भैया, इस फ्लावर में जो एंथर है, एंथर के अंदर पोलन ग्रेन है, तो पोलन ग्रेन का एंथर से कहाँ पहुँचना, स्टिग्मा तक पहुँचना, ठीक है, इस प्रोसेस को कहा जाता है पोलिनेशन। अब भैया जो पोलिनेशन है ये कैसे होता है, ये होता है एजेंट्स के थ्रू, मतलब हवा के थ्रू, कि हो सकता है कि हवा में के थ्रू पोलन ग्रेन उड़ के एंथर से कहाँ पहुँच गया, स्टिग्मा में, या किसी एनिमल के थ्रू, कि जैसे जो ये तितली होती है, तितली एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है ना, तो तितली उड़ी बस पे चढ़ी, है ना, ड्राइवर ने कहा आजा मेरे पास, तितली कहती हट बदमाश, है ना, ये हम बचपन में पढ़ते थे, मतलब बचपन में खेलते थे तब, तो ये राइम्स होती थी जो हम बोलते थे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, तितली एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है, तो जब तितली यहाँ बैठेगी तो उसके पैरों से चिपक जाएगा एंथर से पोलन ग्रेन, और जब तितली किसी दूसरे फ्लावर पे जाएगी या उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जब बैठेगी तो तितली के पैर से फिर वो ट्रांसफर होकर पोलन ग्रेन कहाँ पहुँच जाएगा, स्टिग्मा तक पहुँच जाएगा। तो एक्सटर्नल एजेंट्स के थ्रू जो है एक जगह से दूसरी जगह ये ट्रांसफर होते हैं। अब पोलिनेशन दो तरह की होती है, पोलिनेशन दो तरह की होती है, एक होती है बच्चों सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है हमारे पास क्रॉस पोलिनेशन। तो इसको ध्यान से समझना, एक होती है सेल्फ पोलिनेशन और एक होती है क्रॉस पोलिनेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ पोलिनेशन क्या है। तो सेल्फ पोलिनेशन क्या है बच्चों, कि किसी
एक ही फ्लावर के एंथर से जब उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन जाता है उसे बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन गया, तो इस टाइम पे इस फ्लावर में क्या हो रहा है, सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है। या आप ये भी कह सकते हो कि एक ही प्लांट के किसी एक फ्लावर से उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर तक अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं तब भी उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। मतलब किसी एक ही, मतलब सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे पोलन ग्रेन का जाना, या सेम प्लांट के किसी दो फ्लावर्स में अगर एक्सचेंज हो तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सेल्फ पोलिनेशन। मतलब एक ही फ्लावर से किसे एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचना पोलन ग्रेन का, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। या एक ही प्लांट के दो फ्लावर्स में अगर ट्रांसफर हो उसे सेल्फ पोलिनेशन बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये सेल्फ पोलिनेशन हो रहा है, इसी फ्लावर के एंथर से इसी फ्लावर के स्टिग्मा में पोलन ग्रेन पहुंच रहा है। अब दूसरे नंबर पे जो आती है क्रॉस पोलिनेशन, आप समझ गए, क्रॉस पोलिनेशन मतलब किसी एक फ्लावर से किसी प्लांट के किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर तक अगर वो पोलन ग्रेन पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं क्रॉस पोलिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कि हमारे पास दो फ्लावर्स थे, सपोज एक फ्लावर ये है तो मैं शॉर्टकट में जल्दी जल्दी बना रहा हूं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक फ्लावर ये है हमारे पास और एक फ्लावर बच्चों ये है, ठीक है। तो अगर एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन कहाँ चला जाए, किसी दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा से, मतलब एक प्लांट के फ्लावर से एंथर ट्रांसफर होके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचे तो उस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, क्रॉस पोलिनेशन। तो यहाँ पे हो रही है क्रॉस पोलिनेशन, यहाँ पे हो रही है सेल्फ पोलिनेशन। तो ये दोनों फर्क आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। अब करते हैं इससे आगे की प्रोसेस को डिस्कस। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है पोलिनेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन। तो ये सबको समझ में आ गया आई थिंक, मैं मिटा देता हूँ इसको। तो पोलिनेशन सबको समझ में आ गई कि पोलिनेशन क्या है भैया, कि एंथर से पोलन ग्रेन का स्टिग्मा तक पहुँचना। अब उसके बाद जो आती है मेन चीज वो है हमारी फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। सेकेंड स्टेप बच्चा पार्टी इसके बाद आता है फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है कि अब स्टिग्मा तक तो पहुंच गया पोलन ग्रेन, अब पोलन ग्रेन के अंदर क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। अब उस मेल रिप्रोडक्टिव सेल को स्टिग्मा से ओव्यूल तक पहुंचाना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मतलब एग तक। तो उस प्रोसेस में अब जब मेल रिप्रोडक्टिव सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल मतलब एग से मिलेगी तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, हाउ फर्टिलाइजेशन अकर्स। तो बच्चों जो हमारा कार्पल है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, उसका एक बेसिक सा डायग्राम मैंने यहाँ बनाया है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि एंथर से उड़ के पोलन ग्रेन कहाँ पहुँचता है, इस कार्पल के स्टिग्मा तक। तो ये पोलन ग्रेन था जो कहाँ पहुँच गया, स्टिग्मा तक पहुँच गया। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको कि हमारा पोलन ग्रेन कहाँ तक पहुँच गया बच्चों, स्टिग्मा तक। अब जैसे ही बच्चों पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुँचता है देन इट बर्स्ट अपॉन, ये बर्स्ट होता है, फटता है, और जैसे ये फटता है तो इसमें से एक ट्यूब बननी शुरू हो जाती है जो स्टिग्मा के अंदर चली जाती है, ठीक है। तो होता क्या है बच्चों कि जैसे ही पोलन ग्रेन हमारा स्टिग्मा तक पहुंचता है, और पोलन ग्रेन जो है हमारा, ये पोलन ग्रेन, इसके अंदर हमारे पास क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल। ये हमारी क्या है, इसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सेल है, मतलब मेल जेमेट है बच्चों इसके अंदर। जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ये बर्स्ट होगा और इसमें से एक ट्यूब निकलेगी, और इस ट्यूब को बच्चों हम क्या बोलते हैं, पोलन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, पोलन ट्यूब। तो ये पोलन ट्यूब डेवलप होती जाती है और कहाँ जाती है, ये पोलन ट्यूब नीचे अंदर चली जाती है स्टाइल में से, और स्टाइल में से होती हुई कहाँ पहुँचती है, ये
ओव्यूल तक कहाँ पहुँचती है, ओव्यूल तक पहुँच जाती है, और यहाँ तक ऐसे जो ट्यूब है पोलन ट्यूब अंदर तक चली जाती है, कहाँ तक पहुँच जाती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल तक। उसके बाद बच्चों जो हमारा ये पोलन ग्रेन मतलब पोलन ग्रेन के अंदर जो हमारा मेल जेमेट था, ये पोलन ट्यूब के थ्रू चलना शुरू करता है, चलता है चलता है चलता है चलता है चलता है और यहाँ पे हो जाता है मिलन। और यहाँ जाके बच्चों ये जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सेल था, मेल जेमेट था, पोलन ट्यूब से चलता हुआ अंदर जाके एग के अंदर घुस जाता है और एग के अंदर जाके जो न्यूक्लियस है एग का उससे मिल जाता है। और जब ये मिलन होता है, मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल के न्यूक्लियस का जब मिलन होता है, तो इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, फर्टिलाइजेशन। तो आई थिंक समझ में आ गए यहाँ तक, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन, क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। थर्ड स्टेप बच्चों हमारा आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन तो हो गई है ना, एग से हमारा मेल जर्म सेल मिल गया, अब आगे क्या होगा वो हम डिस्कस करते हैं, जिसे बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बच्चों क्या होगा, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में बेसिकली होगा क्या कि जैसे ही ये फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बनता है जायगोट बच्चों। क्या बनता है उसके बाद बच्चों, जायगोट बनता है। और जैसे ही ये जायगोट बनता है, जायगोट बनने के बाद जो हमारी ओव्यूल है, ओव्यूल कन्वर्ट्स इनटू टफ कोटिंग विच इज कॉल्ड सीड, कन्वर्ट्स इनटू सीड, ठीक है। तो होता क्या है कि जो जायगोट है, एक जायगोट बन गया, जायगोट फिर डेवलप हो गया, एम्ब्रियो बन गया, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्लांट बन गया, बेबी प्लांट। और उस बेबी प्लांट की प्रोटेक्शन के लिए जो हमारा ये ओव्यूल था, ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक टफ कोटिंग में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम सीड बोलते हैं, बीज बोलते हैं, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे सीड को डिटेल में। तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है ओव्यूल, और जो हमारी ये ओवरी है, ये सारी ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में। किस में कन्वर्ट हो जाती है, ओवरी कन्वर्ट्स इंटू फ्रूट। तो ये होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि जैसे ही मेल जर्म सेल फीमेल जर्म सेल आपस में मिले, जायगोट बना, जायगोट डेवलप होके बेबी प्लांट बना, और जो ओव्यूल था वो सीड में कन्वर्ट हो गया, और जो ओवरी थी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो गया, और बाकी जो इसकी पंखड़ियाँ थी, जो इसके स्टैमन थे, वो झड़ गए। और जहाँ पे किसी टाइम पे फ्लावर प्लांट के अंदर फ्लावर हुआ करता था, वहाँ अब फ्रूट लग जाता है। क्या लग जाता है, वहाँ पे अब फ्रूट बन जाता है, ठीक है। आप जितने भी फ्रूट वाले प्लांट देखोगे, चाहे वो मैंगो का हो, अमरूद का हो, किसी भी प्लांट की अगर मैं बात करूँ जिसमें आप फ्रूट्स देखे हैं आपने आज तक, तो आपने नोट किया होगा कि पहले वहाँ पे कलियाँ खिलती हैं, फ्लावर्स आते हैं, वही फ्लावर्स आगे जाके अमरूद में कन्वर्ट होते हैं या आम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो ये होता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि जायगोट बनता है, जायगोट से बेबी प्लांट बनता है, और उसके चारों ओर ओव्यूल एक टफ कोटिंग बना लेता है, जिसे हम सीड बोलते हैं, और जो ओवरी है हमारी बच्चों वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह से एक नया प्लांट बनने की तैयारी हो जाती है उस सीड से। अब अगर जो हमें वो सीड मिल गया और उस सीड को हम सोयल में डाल देते हैं और उसको पानी वगैरह देते हैं, मॉइस्चर देते हैं, उसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, तो यही सीड फिर जर्मिनेट कर जाता है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, मतलब सीड से एक नया प्लांट आ जाता है, ठीक है। तो क्लियर है, तो नेक्स्ट स्टेप यही होता है जर्मिनेशन। फोर्थ नंबर पे जो स्टेप आता है बच्चों वो यही है, जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो यही है एक प्लांट की कहानी, जर्मिनेशन। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है बच्चों आपके पास, ये जर्मिनेशन, मतलब हमारा जो सीड है, अगर मैं इस सीड को सोयल में दबा देता हूँ, मिट्टी में दबा देता हूँ, और इस सीड को अच्छी कंडीशंस देता हूँ, पानी वगैरह देता हूँ, खाद वगैरह देता हूँ, तो फिर इस सीड में से ये एक नया पौधा जन्म ले लेता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है, क्लियर है। और नया पौधा हमें मिल जाता है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको सीड के बारे में बता दूँ, तो सीड के अंदर क्या होता है उसका एक बेसिक सा डायग्राम मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं सीड को ना बेटा बीच में से काट दूँ, एक सीड लूँ, बीज लूँ और उसको बीच में से काट दूँ, तो कुछ ऐसा हमें दिखेगा। अगर एक सीड को काट दूँ तो कुछ ऐसा दिखेगा, और उसमें हमें यहाँ पे एक बेबी प्लांट नजर आएगा, वो कुछ इस तरह का होता है बेबी प्लांट हमारा।
तो ये जो है हमारा, ये पूरा, ये हमारा क्या है, बेबी प्लांट है। क्या है ये हमारा पूरा? एक बेबी प्लांट। ये सारा हमारा क्या है बच्चों? एक बेबी प्लांट। अब बेबी प्लांट में बच्चों दो पार्ट होते हैं, बेबी प्लांट में दो पार्ट होते हैं, एक को हम बोलते हैं प्लूम्यूल और एक को बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जो ऊपर वाला पार्ट है इसे बोलते हैं प्लूम्यूल और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं बच्चों रेडिकल। अब प्लूम्यूल और रेडिकल बेसिकली क्या है? तो बेबी प्लांट का वो पोर्शन जो बाद में बड़ा होके शूट बनेगा, उसका स्टेम बनेगा, उसका तना बनेगा, पत्तों में कन्वर्ट होगा, उसे हम बोलते हैं प्लूम्यूल। और बेबी प्लांट का वो पार्ट जो जड़ बनेगा बाद में जाके, रूट बनेगा प्लांट की, उसे हम क्या बोलते हैं? रेडिकल। और बाकी जो पोर्शन होता है सीड का, इस पूरे पोर्शन में फूड स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है? फूड, इस बेबी प्लांट के लिए। कि जब तक ये बेबी प्लांट धरती से बाहर नहीं आता, खुद से फोटोसिंथेसिस करके खाना नहीं बनाना शुरू करता, तब तक के लिए ये इस बीज के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उसका इस्तेमाल करता रहता है। ठीक है, तो वो बाकी के सीड में क्या भरा होता है? फूड स्टोर किया जाता है इस बेबी प्लांट के लिए। ठीक है, और उस स्टोर्ड फूड को हम बोलते हैं कोटिल्डन। क्या बोलते हैं इसको? कोटिल्डन्स। ठीक है, ये जो स्टोर्ड फूड है इसको हम क्या बोलते हैं? कोटिल्डन्स। ठीक है, तो ये होता है बच्चों सीड। और सीडलिंग मतलब तुम्हें मैंने बताई दिया, इसके बाद जर्मिनेशन जो मैंने बताया कि अगर मैं सीड को मिट्टी में दबा देता हूँ तो उसमें से फिर एक नया प्लांट जो है जन्म ले लेता है, कुछ इस तरह से कि अगर मैंने इस सीड को मिट्टी में दबा दिया तो सीड में से फिर एक नया प्लांट निकल आता है, उसमें से एक तो स्टेम बनता है और एक रूट्स बननी शुरू हो जाते हैं और एक नया प्लांट हमें मिल जाता है। तो ये थी कहानी पूरी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की इन केस ऑफ फ्लावर्स, या हम कह सकते हैं प्लांट्स। तो ये थी एक खूबसूरत सी फिनोमिना जिससे सृष्टि चल रही है। इस नेचर में इतने तरह तरह के प्लांट्स हमें नज़र आ रहे हैं, इतनी खूबसूरत जो प्रकृति है वो इसी की वजह से है बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग था, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। इसके बाद का जो टॉपिक है बच्चों वो होने वाला है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या है, उनसे रिलेटेड बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हमें इस चैप्टर से पता चलेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे साथ और घर पे ही रहें, स्टे सेफ स्टे होम। और वैसे आज जब मैं ये वीडियो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 5 सितंबर है, 5 सितंबर 2020, ठीक है ना। तो आज 5 सितंबर है, यानी क्या टीचर डे है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टीचर डे भी विश कर सकते हो। ठीक है, चलो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय टू ऑल ऑफ यू।